नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम शुरू करेंगे रैप एग्ज़ाम का पांचवा भाग, जिसमें सारे प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। जो भी भाई बहन सीएससी के माध्यम से रैप एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं और इंश्योरेंस एजेंट बनना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें के एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत निवारण फोरम डैश के लिए आदेश दे सकता है। दोनों में से कोई भी, यानी माल से दूर दोष को दूर करना या माल का प्रतिस्थापन। बीमा लोकपाल शिकायतकर्ता और बीमा के बीच समझौते के माध्यम से एक निपटान तक पहुंचने की कोशिश करता है, डैश के माध्यम से, यानी दोनों मध्यस्थता और समझौता। किसी भी बीमा कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को डैश को स्पष्ट तरीके से बताना होगा, दोनों यानी लाभ का दायरा, बीमा कवर की अधिकता। अब हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस आए हुए किसी भी एग्जाम एंड्रॉयड भी नोज योजना है छोटे बिजनेस संबंधित कोई भी समस्या तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बीमाकर्ता को अपनी प्राप्ति के डैश दिनों के भीतर एक प्रस्ताव के बारे में निर्णय संवाद करना चाहिए 15 दिन के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि कोई पॉलिसी धारक यूलिप पॉलिसी रद्द करता है और फ्री लुक पीरियड का लाभ उठाता है तो इंश्योरर यानी बीमाकर्ता। तो दोनों कथन सही हैं। पॉलिसी धारक को NAV में कमी पर पास करें और NAV टू द पॉलिसी होल्ड में वृद्धि पर पास। जीवन बीमा पॉलिसी में लाभों के बहिष्करण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करना होगा, दोनों मुख्य नीति के तहत उपलब्ध हैं या राइडर्स के तहत उपलब्ध हैं। एक बीमा कंपनी को सभी मामले में पॉलिसी धारक से किसी भी संचार की प्राप्ति के डैश दिनों के भीतर जवाब देना होता है, 10 दिनों के भीतर। एक सामान्य बीमा दावे में यदि एक सर्वेक्षक नियुक्त किया जाना है तो यह दावा सूचना प्राप्त होने के डैश घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, 72 घंटे के भीतर। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना पहली भारतीय बीमा कंपनी डैश में हुई थी, 1870 में हुई थी। वर्ष में डैश भारत सरकार ने अध्ययन करने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया कि क्या बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला जाना चाहिए। 1993 वर्ष में राष्ट्रीयकरण के समय LIC के पास रोल पर एजेंट थे कितने? 2,07,373। सुरक्षा के रूप में बीमा की आवश्यकता किसे है? सभी इंसान को है। जोखिम पूलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को डैश कहा जाता है। बीमा भारत में कार्यरत सभी जीवन बीमा कंपनियां IRDAI को छोड़कर कार्यरत हैं। डाक जीवन बीमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। सामान्य बीमा संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन बीमा मानव और निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है। किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला प्रीमियम डैश के तहत है। खरीफ में 2% और बीमा राशि के रूप में और रवि में 1.5% है, रवि की फसलें यानी। जीवन बीमा प्रस्ताव डैश के मामले में एक हामीदार को पता होना चाहिए, उपरोक्त सभी तीन, यानी कि प्रस्तावक के व्यक्तिगत विवरण, प्रस्तावक का व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरण, प्रस्तावक का परिवार के विशेष विवरण। अगला प्रश्न, भौतिक तथ्य क्या है? एक भौतिक तथ्य एक तथ्य है जो जोखिम का आकलन करने में एक विवेकपूर्ण बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। एक कपट रहित प्रकटीकरण का मतलब डैश हो सकता है, यानी कि आड़ हो सकता है। जब भौतिक तथ्य का एक कपटपूर्ण प्रकटीकरण होता है तो बीमा अनुबंध डैश हो जाता है, शून्य हो जाता है। स
संपत्ति बीमा चाहने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उपरोक्त दोनों, निर्माण का प्रकार, भवन की आयु, नदी या जल निकायों से दूरी, पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि, जब कोई प्रस्तावक बीमा कंपनी को पॉलिसी रद्द करने और अपने प्रीमियम का रिफंड लेने के लिए कह सकता है, जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, ऊपर में से कोई भी यानी फ्री लुक पीरियड, आराम का समय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।